मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, ईश्वर की कृपा से इस बार हमारे राज्य में मानसून सही समय पर आ गया है। राज्य में अब तक पर्याप्त बारिश हो चुकी है। किसान भाई अपने खेतों में फसल की तैयारी में लग गए हैं। राज्य के जलाशयों और तालाबों में भी भरपूर पानी उपलब्ध है। किसान भाइयों को खाद बीज उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहकारी समितियों से मिल सके, इस पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। सभी सोसाइटियों में रासायनिक उर्वरक एवं प्रामाणिक बीजों का भंडारण लगातार किया जा रहा है। हम राज्य में इस बार दलहनी और तिलहनी फसलों पर अधिक जोर दे रहे हैं। इन फसलों का उत्पादन बढ़ने से किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमने दलहन तिलहन अरहर सोयाबीन मक्का गन्ना कोदो कुटकी सुगंधित धान की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल कर लिया है। धान के साथ साथ अन्य प्रमुख खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसान भाइयों को भी प्रति एकड़ मान से 9,000 रुपये प्रति एकड़ के आदान सहायता देंगे। बीते खरीफ सीजन में जिन किसान भाइयों ने धान की खेती की थी, वह यदि इस साल उसी रकबे में धान के बदले अन्य फसलों का उत्पादन अथवा वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हें प्रति एकड़ के मान से 10,000 रुपये के आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। वृक्षारोपण करने वाले किसान भाइयों को यह आदान सहायता आगामी 3 वर्षों तक मिलेगी। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ की सरकार आपकी सरकार है। सरकार बनने के बाद से हमारे द्वारा लिए गए सारे निर्णयों के मूल में किसान ही है। चाहे वह कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात हो, सिंचाई कर को माफ़ करने के का निर्णय हो, सब किसानों को ध्यान में रखकर ही लिए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अन्नदाता किसान भाई पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार और बेहतर फसल उत्पादन करेंगे। आप सबको अच्छी फसल के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। टूटे की तो ना आयो। यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। Hi, I'm Ritik Roshan, wishing ITV Network all the very best for this समय में 2,500 से ज्यादा युवा इस काम को करने के लिए आगे आए हैं। साथियों, दिलचस्प बात यह है, 19वीं 20वीं शताब्दी के जंग की बात तो आमतौर पर होती रहती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि 21वीं सदी में जो युवा पैदा हुए हैं, 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे मेरे नौजवान साथियों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी की आजादी की जंग को लोगों के सामने रखने का मोर्चा संभाला है। इन सभी लोगों ने माई गॉव पर इसका पूरा ब्यौरा भेजा है। ये लोग हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती, ऐसी देश की अलग अलग भाषाओं में स्वाधीनता संग्राम पर लिखेंगे। कोई स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे अपने आसपास के स्थानों की जानकारी जुटा रहा है, तो कोई आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों पर किताब लिख रहा है। एक अच्छी शुरुआत है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अमृत महोत्सव से जैसे भी जुड़ सकते हैं जरूर जुड़े। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आजादी के 75 वर्ष के पर्व का साक्षी बन रहे हैं। इसलिए अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो अमृत महोत्सव की और तैयारियों पर भी बात करेंगे। आप सब स्वस्थ रहिए, कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़िए। अपने नए नए प्रयासों से देश को ऐसे ही गति देते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। टूटे की तो ना आयो। यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। Hi, I'm Ritik Roshan, wishing ITV Network all the very best for this amazing initiative called Save the Water Campaign. Hi, this is Mrinal Thakur, and all the very best for this lovely initiative ITV has started. I just want you guys to know that please, please save water. Radio on.
धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर TVS रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई TVS रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। प्रिंसेस ऑफ चैम्बर के चुनाव में वोट पाने की चाह की कहानी, चुनाव के दौरान होने वाले मुश्किलातों की कहानी, देखिए नवाब जावरा के उज्जैन शाहों की कहानी, सिर्फ इंडिया न्यूज।